जय श्री राम। स्वागत है आपका पटना के हनुमान मंदिर में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आज हम लोग चल रहे हैं पटना के महावीर मंदिर, हनुमान मंदिर। ये पटना जंक्शन के बस बगल में ही है। हमारे पीछे पटना जंक्शन है, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। और इसके ठीक अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं, ये है हनुमान मंदिर। आज हम लोग चलेंगे हनुमान मंदिर, आपको पूरा यहाँ का दर्शन कराएंगे, कैसे कहाँ पे आपको अपने जूते जमा करने हैं, कहाँ से फूल लेना है, कहाँ से प्रसाद लेना है, टोटल रिव्यू आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो बने रहिए। हनुमान मंदिर के बारे में आपको पता होगा, ये एक इकलौता ऐसा मंदिर है ना, यहाँ पे हनुमान जी की दो मूर्तियाँ एक जगह पे रखी हुई। कहते हैं, ऐसी मान्यता है, कहते हैं कि एक मूर्ति मनोकामना पूर्ण करती है और दूसरी मूर्ति जो है वो कष्ट और बाधाओं से आपकी रक्षा करती है। देखते हैं। ये हनुमान मंदिर का बाजार, यहाँ पे मिठाइयाँ, जिन्हें खाना खाना हो, जो ट्रेन से उतरे हो, खाने के लिए भोजन वगैरह मिल जाता है। और इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रसाद है। क्या है, बिहार में लोग शर्माते हैं बोलने में, पता नहीं क्यों। ये देखिए, हाँ हाँ एकदम। कैसा मिठाई बेच रहे हैं? 160 रुपये के लड्डू है। यहाँ पे दो तरह के लड्डू मुख्यतः मिलते हैं, एक हो जाएंगे बूंदी वाले लड्डू और एक होते हैं बेसन के बने लड्डू। बूंदी वाले लड्डू भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो कि रिफाइन में बनाता है और एक घी में बनते हैं। सबका रेट अलग होता है, तो जो भी श्रद्धालु आते हैं या आप भी अगर कभी आएँ तो यहाँ पर अपनी पसंद का लड्डू ले सकते हैं, सबका रेट वेरी करता है। आइए पूछते हैं क्या रेट है लड्डू का। भैया क्या रेट है लड्डू का अलग अलग? रिफाइन के लड्डू है 160, घी के लड्डू है 260 और मोतीचूर लड्डू भी 160 ही है रिफाइन का। तो देखा आपने, ये है यहाँ पे मिठाई, जिनको फल वगैरह लेना हो पूजा करने के लिए या फिर मिठाई लेना हो, ये इधर हो गया अपना फूल मार्केट। कैसे है माला? 10 रुपये है सर। वाह, कैसा चल रहा है अभी धंधा? ठीक चल रहा है अभी? स्लो चल रहा है? मंदा मंदा। आप मंदा बोल रहे हैं, पीछे वो नंबर वन बोल रहा है। बाजार कहाँ? जैसा कि आप देख रहे हैं, महावीर मंदिर में पूजा के लिए अच्छे और ताजे फूल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक हमने आपको दिखाया कि मिठाई कहाँ से लेनी है और पूजा के लिए फूल कहाँ से लेना है। अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हनुमान मंदिर की तरफ। ये है हनुमान मंदिर के सामने का मार्केट। ये देखिए, ये हो गया पूरा हनुमान मंदिर के सामने का और ये रहा अपना हनुमान मंदिर। ठीक है ना, ये हनुमान मंदिर के सामने कुछ कपड़े उपड़े की दुकान है। काफी भीड़ है, भीड़ में बच के चलना है। अभी हम लोग चल रहे हैं आगे जहाँ जूते रखते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे हनुमान मंदिर के अंदर। बने रहिए, बने रहिए। तो अभी हम आ गए हैं हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार के पास, जो कि पटना जंक्शन की तरफ से आता है। देखिए, यहाँ पे आप अपने जूते रख सकते हैं और इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले मैं भी अपने जूते रख दूँ। ये मिल जाएगा आपको कूपन, कूपन अपने पास सुरक्षित रखा है। उसके बाद अभी हम लोग चल रहे हैं अपने पैरों को धोने के लिए। देखिए, यहाँ पे पैरों को धोने की व्यवस्था है। Thank you.
देखिए सब लोग अपने पैर धो रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ से पैर धो सकते हैं और नृत्य भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मास्क बेच रहे हैं। क्या मास्क बेच रहे हैं, क्या जरूरी है मास्क बेचने के लिए? हाँ बिल्कुल, हम भी मास्क लगा लेते हैं, हमारे पास एक परमानेंट मास्क है। ओके, तो मास्क के चक्कर में हम भूल गए। यहाँ पे देखिए जैसे ही हम वहाँ से आते हैं ना, वहाँ पे अपना अपने पैरों को वहाँ पे धोया, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये है यहाँ पुष्पमाला, पुष्पमाला फूल की दुकान है और यहाँ पे आपको फूल मिल जाएंगे उचित रेट पे। क्या रेट है फूल का माला का? 10 रुपया। तो 10 रुपये में यहाँ पे फूल का माला मिल जाता है, दे दीजिए। ये फूल का माला अब यहाँ पे है, कुछ लोग यहाँ से भी लेते हैं। नवेद्यम का लड्डू यहाँ पे मिलता है, बाहर आपको जो बाजार में मिलता है वो लोकल लड्डू है और ये नवेद्यम का लड्डू है। क्या क्या है ना, 1 किलो का रेट है अभी 300 रुपये और आधा किलो का रेट है 150-250 ग्राम 75 रुपये और सवा मनी 50 किलोग्राम, ये भी कुछ है पता नहीं। तो अभी हम लोग लेते हैं एक छोटा सा 250 ग्राम, एक 250 ग्राम लाइए। क्या चल रहा है? लाइव नहीं चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। आधा किलो। तो अभी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे नवेद्यम का लड्डू। देखिए क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आपको यहाँ पे पैसे देने होंगे, उसके बाद आपको उसका रसीद मिलेगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपको लड्डू मिलेगा 250। ओके, तो फूल हो गया और प्रसाद हो गया, अब हम यहाँ से अंदर चलेंगे। ये है मेन गेट। अब हम यहाँ से अंदर चलेंगे और ये है यहाँ का एंट्री गेट और ये यहाँ सुरक्षा में है। आज आपको बताना चाहेंगे, आम दिनों की अपेक्षा आज भीड़ कम है, नहीं तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा और लंबी लाइन लगती है।